सो भाई सुबह सुबह निकल लिए हम पदुम से शिंकुला के अटेम्प्ट मारने को, और लग नहीं रहा कि मार पाएंगे सच में। बट चांस तो लेना ही पड़ेगा, एक सेफ पॉइंट तक जाके चांस लेंगे, रिस्क नहीं लेंगे बिल्कुल हम। सो देखते हैं शिंकुला पहुंचते हैं या नहीं, क्योंकि आज बारिश का अलर्ट है नीचे और हाई रीचीज पे स्नोफॉल का अलर्ट है। तो अगर स्नोफॉल होता है तो फिर यार हमारे दिनों पे काटा है कि भाई हम अगले 3-4 दिन तो नहीं कम से कम जा सकते फिर। सो वो स्टोरी है, फिर क्या पता हम फिर दोबारा ले चले जाएं। हनले चले जाएंगे, हनले रह गया था ना अपना, हनले करके आएंगे। सब कुछ कर दिया, वही रह रहा है वही रह रहा है यार। 500-600 किलोमीटर फालतू में नू ही चला दी गाड़ी। चलो देखते हैं जाके। देखो मौसम, मौसम तो भाई बिल्कुल ऐसा हो गया है कि अब बरसों बस हम रोक रहे हैं भगवान को बोल बोल के कि भगवान जी कुछ घंटे बस, दोपहर तक बरस जाना, दोपहर के बाद बरस जाना, हमें निकल लेने दो। सो भाई आज तो चैलेंज ही चैलेंज है हम सब के लिए। चलो पत्थर हटाते हैं, ये रे पत्थर, ये खुद ही हटाने पड़ रहे हैं सारे। ये देखो भाई कितने बड़े बड़े पत्थर हैं, हम हटा लें। चलो भाई ये नहीं हटेगा, क्रेन लेके आते हैं, रिस्की जोन में खड़े होने का भी कोई फ़ायदा नहीं है ऐसे। अब जैसे हमने वहाँ क्रेन लाई थी, यहाँ भी क्रेन लानी पड़ेगी, बस वो चीज़ है। यहाँ से गाड़ी थोड़ा थोड़ा बैक ले लेते हैं, थोड़ा रिस्की सा जोन है। ठीक है भाई आप जाओ सबसे पीछे, आप ही की है। नहीं कह रहा हूँ मैं, बैक ले जाओ गाड़ी सारियाँ, थोड़ी थोड़ी बैक ले जाओ, मतलब स्लाइड स्लाइड फ्लूड का डर ना हो ना, जहाँ वहाँ जाने का फायदा है। सारे खड़े हैं यार, क्या ही हो रहा है अपने साथ। बस भाई BRO के आए हैं चेक पॉइंट पे, हम यहाँ से ही सारा ऑपरेट होता है यार। सच में ये लोग ना बहुत मेहनत करते हैं, इतनी ठंड में हमारे लिए बैठे होते हैं, और सच में मतलब सल्यूट है BRO को। जो BRO काम कर रही है ना वो कोई नहीं कर सकता यहाँ पे, किसी प्राइवेट एजेंसी को भी दे दिया ना तो भी नहीं हो पाएगा। भैया अभी देखो स्टार्ट करने में लगे हैं, एक हमने आके सिर्फ हॉर्न बजाया और भैया आके यहाँ पे इसको स्टार्ट करने में स्टार्ट हो गए हैं। अब देखते हैं कब तक लैंडस्लाइड क्लियर होता है। मौसम अभी तो थोड़ा खुल गया है, एकदम से लगा था भिज रहा है मौसम, बट खुल गया फिर दोबारा से। जय हिंद भैया। जय हिंद भैया। दिल से बताऊं, कोई बटरिंग नहीं, आप लोग जो कर रहे हो ना, मतलब दिल से रिस्पेक्ट आता है वर्दी को देख के, वो बात है। स्टार्ट मेरा यामा होर दस की भाल दी, पहली सेल्फ में स्टार्ट हो गया भैया। सच बताऊं ये पहली सेल्फ में स्टार्ट हो गया। कल हम वहां थे कारगिल में, इतनी उनकी इम्पोर्टेड मशीन झेलम वालों की, वो साली स्टार्ट नहीं हुई, 2 घंटे खड़े रहे हम वहां पे। चलो भाई थोड़ी सी हैप्पीनेस आई चेहरे पे। ओ ये स्टार्ट हो गई मशीन। चलो भाई चलते हैं। भाई आप BRO का जितना थैंक यू कर सकते हो ना उतना थैंक यू करा करो, ये बंदे बहुत अलग हैं यार। और ये देखो सुबह का टाइम देख लो, 6:30 हो रखे हैं और क्रेन आगे आगे चल रही है हमारे। ठीक है ये है पावर। आओ 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 आएंगे हम तो, डॉग को बुलाते हैं। आजा बहुत सारे हैं वो ऊपर भाई। आईबैक्स कितना सही लग रहा है, बहुत बड़ा है भाई ये, उत्तरी पूरा झुंड है इनका भाई। देखो यहीं पे देख रहा था तुझे। हाँ ऊपर से झुंड ही झुंड है इनके। आईबैक्स हेलो, हे हेलो, काम काम दोस्तों, हम तुम्हारे दोस्त हैं। लेपर्ड कहाँ है, लेपर्ड नहीं है, चलो बाय। लोग जिमनी में 235 डालते हैं, तुमने ये क्या, कैसे कहाँ से आते हो? लखनऊ यार। 265 डाल रखा है भाई ने गाड़ी में यार, ये देखो 265, वो भी 70 भाई, 70 डाल रखा, 265 70, कमाल है। तुम्हारी गाड़ी की स्पीड नहीं कम हुई? नहीं। पिकअप नहीं कम हुई? हुई होगी यार, कितने पे बगाई है? 120 130 जाती है ना, मेरी वाली जिमनी है ना जो, वो मेरे वाली जो जिमनी है वो है स्टॉक टायर पे, और वो 160-170 ले गया था मैं, बस ये अंतर है। अभी इसकी सर्विस नहीं हुई है तो बस। अरे टायर भारी की वजह से ना वो माइलेज भी कम होती है थोड़ी। हाँ 12 की मेरी 14 देती है, पर फिर भी यार 2 की माइलेज के पीछे साला बड़ा टायर, कितनी सुंदर लग रही है यार ये देखो तो।
भाई मैं तब से सोच रहा था, मैं कहा यार 235 इसमें कुछ अलग लग रहा है, मैं एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकता भाई कि 265 डाल रखा है भाई ने। फ्लेक्स आ गए भाई हमारी आंसुओं पे, पानी फेरने के लिए फ्लेक्स आई हैं, थोड़ी देर में पिघलेंगी फिर पानी बन जाएगी हमारी आंस सारी, फिर हम ले जाएंगे वापस। तो अभी निकल लो भाई, मैं तो हल्ले भागूंगा, मैं तो जाऊंगा ले वापस, मैं नहीं रुक रहा फिर दो दिन। यार कौन खज्जल होएगा यहाँ, कौन सोएगा दो दिन, ड्राइव करेंगे। तुमने तुमने नया एक्सिस नहीं देखा ना, तुम्हें ये दिखाएंगे। हाँ सही बात है ना, पेट्रोल है ना, पावर है ना, फिर उतारते समय सुनो आगे भाई, चलो बस उतारते रहो सही। हो भगवान जी, थैंक यू भगवान जी, थैंक यू बीआरओ टीम, आ गई भाई यहाँ पर। जेसीबी देखो कितनी जल्दी आई है, क्योंकि बीआरओ की थी वहाँ, झेलम वालों की याद है आपको जो लेके आए थे, ये देखो आ गई जेसीबी वहाँ पे, जेसीबी स्टार्ट ही नहीं हो रही थी यार। यहाँ देख लो बीआरओ की पावर, ये है बीआरओ की पावर भाई, देखो क्या सीन है, सही सॉर्टेड। बस जल्दी से अब ये पत्थर हट जाए, और धूप खिल गई है, स्नो भी नहीं पड़ रही, आसमान भी क्लियर है, जल्दी पहुंच जाएंगे यार। बहुत परेशान हो रखे हैं यार, बहुत परेशान हो रखे हैं आप तो सच में, लिटरली ये इतने बड़े बड़े पत्थर आए हैं हर जगह पर यार, ये देखो इतना बड़ा बड़ा पत्थर हटाना पड़ रहा है, ये देखो वाह यार। सो ये हमारी रास्ते की रुकावट हटती हुई, जा रहे हैं पत्थर जी नीचे भाई, धम धम बजेगा ये देखना, धम 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 होएगी अब ये भाई, ऊपर भी ध्यान रखना, वाइब्रेशन से ऊपर से भी आ सकता है कुछ। चल भाई चल, ये ये अब जाएगा, गया अब दूसरे पत्थर की बारी है, ये गया 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 धम 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 धड़ा, ये गया। चलो भाई इशारा कर दो सबको आने के लिए फिर, है ना, चलो आ जाओ आ जाओ, यहाँ से आना है सबको। बीआरओ की टीम ने फाइनली रास्ते को क्लियर कर दिया, और हम अब यहां से निकल रहे हैं आगे के लिए। आगे हमें पहुंचना है पदुम से शिंकुला, और शिंकुला आज क्रॉस करना बहुत जरूरी है, मौसम साफ हो रखा है, आस पूरी पूरी है, चलो पहुंचते हैं फिर शिंकुला। क्या हो रहा है हमारे साथ यार, क्या ही हो रहा है, क्या हो रहा है ये देखो, फिर एक और लैंडस्लाइड यार, अब फिर से बुला के लाना पड़ेगा, अब कहां है बीआरओ का यहाँ पे कैंप, वो चेक करना पड़ेगा बिल्कुल यार वहीं। और यार एक काम करते हैं, इसको हाथ से हटाने की कोशिश करते हैं, चलो आ जाओ ठीक है ना भैया, हाथ से और आ रहा है, और आ रहा है, एडवेंचर ट्रिप चल रहा है पूरा, और खुद पत्थर हटाए जा रहे हैं, ये लोकल हैं भैया, ये भी लगे हुए हैं, ये अपने बंदे भी लगे हुए हैं, अभी बड़े पत्थर हटाएंगे, ये वाला बड़ा है जिसपे मैं खड़ा हूँ, ये बहुत बड़ा पत्थर है, यहाँ गाड़ियां खड़ी हैं अपनी। सो भाई पदुम से शिंकुला टफ होता जा रहा है हमारा, तो कैसे जाएंगे आज शिंकुला हम, हे भगवान जी साथ दो हमारा भाई, खुद ही पत्थर तोड़ने पड़ रहे हैं यहाँ पे, तो आज का तो ट्रिप तगड़ा ही हो गया भाई, तगड़ा ट्रिप हो गया भाई, हैं क्यों, आ जाओ भाई सारे पहलवान आ जाओ, सारे आ जाओ सारे, कम 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 जल्दी आओ जल्दी, पत्थर उठाने हैं भाई, खुद ही लगना पड़ रहा है, मैं बीआरओ के पास जाऊं, पर बंदा दूर गया हुआ है ना, अब हो जाएगा, हो जाएगा, सब्बल से बहुत हेल्प मिलती है, गया गया हाँ, अभी रास्ते में जेसीबी मंगवाए, दो घंटे खड़े रहे, उठाने पड़ेगा, कितना तोड़ेंगे, चलो 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 उठाते हैं, दूसरा कहाँ पे है, गया गया, पैर बचाओ पैर,
पैर बचा लो, पैर बचा लो अपना। चलो चलो, ऊपर से आने का डर अलग से है। वो बहुत खतरनाक खड़ा। हाँ छोटू जी ना, स्लाइड बन के होगा भैंज पूरे। रास्ता क्लियर हो गया यार, बहुत सारा रास्ता तो क्लियर हो गया। अब ये आंटी को देखो कितनी जान लगा रहे हैं, सारे लोग लगे हुए हैं अपने अपने कर्म करने के लिए। भाई आसान नहीं है पहाड़ों की जर्नी, बहुत टफ जर्नी है, ऐसे ही नहीं हो जाती। ये देखो ये सब के सब घर जाने वाले हैं, और जिन्होंने को घर जाना है आज मजदूरी करनी पड़ रही है। खुद सोचो, कभी सोचा था किसी ने कि पत्थर उठवाने पड़ेंगे? तो भगवान बहुत बलवान है भाई, ये किसी से कुछ भी करा देता है। सो ये कर रहे हैं मजदूरी हम सब। हाँ जी, हाँ उसका इसमें नहीं इस्तेमाल, ऐसे ही हो जाएगा ये। सो भाई लोग बेल्ट आ गई है, बेल्ट लगा के इसको खींचने की कोशिश करेंगे अब। ठीक है दिखाऊं? ये रहा, ये देखो। तो अब ये बेल्ट लगेगी, तो देखते हैं क्या बनेगा रिजल्ट। जो बोले सोने हो सत श्री अकाल। सालो क्या कर दिया तुमने, इतना बड़ा पत्थर उठा दिया। वाओ रे चाचा, वाओ चाचा, वाओ। क्रेन का काम बंदों ने किया, बीआरओ का काम ब्रोज ने किया। वाहेगुरु वाहेगुरु। चलो अरे पैर बचा, ये टूटा। रास्ता बना तो है बट पूरा पूरा एज है यार गाड़ियों का। ये देखो पूरे एज से गाड़ी आ रही है। वो देख गाड़ी का टायर देखो कहाँ से आया। ठीक है देखो सामने रोड आपको दिख रहा होगा, और वो पक्का रोड है और ये कच्चा रोड है। मैं क्यों कह रहा था वहां नहीं जाना। ये देखो कितना स्नो है, रोड के ऊपर ही स्नो है और वो क्लियर नहीं किया। बीआरओ की टीम इस रोड पे लगी हुई है। यहाँ पे देखो, ये देखो छोटा एवलांच पूरे रोड के ऊपर है, पूरा रोड बंद है, जगह जगह से रोड बंद है। तो ध्यान रखना जब भी आना है भाई, कच्चा रास्ता ही चूज कर लेना, पक्के रास्ते पे मत जाना। अभी हम शिंकुला पहुंच रहे हैं, पहुंच के बस असली टेस्ट तो अपना शिंकुला में होने वाला है कि जाने देंगे या नहीं जाने देंगे, देखते हैं। अब यहाँ पे तो रोड की कंडीशन जैसी भी है अच्छी है इस टाइम, तो ये बहुत अच्छा लग रहा है हमें भाई। भाई तुमने पिछले व्लॉग में देखा होगा, मैंने फुकटल गोम्पा आपको दिखाया था 3 किलोमीटर, और दिखाया था मैंने यहाँ पे स्नो में मजे लिए हैं। ठीक है गेस्ट हाउस फुकटल भी है, तो इस टाइम पे यहाँ पे स्नो देखो कितनी है। उस टाइम पे खत्म हो गई थी स्नो, और अब देखो कितनी स्नो है। सो यार आगे पता नहीं कितनी स्नो मिलने वाली है। मैं बाहर से आपको दिखाता हूँ। हाँ जानवर गया कोई यहाँ से। ये क्या व्यू आ रहा है यार, क्या ग्राउंड है ये। मेरा मन तो बहुत कर रहा है मैं स्नो में उतार दूं, बट इस टाइम पे नहीं उतारना यार। अब बस हो गई, अब घर पहुंचना है। क्यों भाई बहुत हो चुका है, इनफ इनफ। यहाँ थोड़ा सा लो चला के दिखा देते हैं आपको कि हम चला लेते हैं स्नो पे गाड़ी। देखो तुम्हें ऐसा ही लग रहा होगा कि हम स्नो में चला रहे हैं गाड़ी। देखो स्नो में पूरा फन हो रहा है, हो रहा है पूरा फन हो रहा है। अरे वाह भाई, स्क्रीन से स्किप मत कर रहा ये वीडियो, क्या क्लैरिटी आ रही है। ओए बाप बाप रे बाप, क्या मजेदार व्यू है भाई। जो मर्जी कहो यार, ले लद्दाख के रस्तों में फन तो है भाई। ये वाली एक कैंची है ना, इसको बहुत ध्यान से उतारना पड़ेगा आपको। यहाँ पे बंदा डोलता है पूरा, यहाँ पे बहुत ही ज्यादा मुश्किल है रोड, और यहाँ पे ना स्लाइड भी बहुत होता है ये वाले जोन पे। और यहाँ ना घबराने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि बीआरओ की टीम इधर भी उधर भी दोनों तरफ पूरी सेट होके खड़ी है, कोई दिक्कत नहीं है। देख वहाँ सामने देख रहे हो लगी हुई है गाड़ियाँ सारी, दिखाता हूँ अभी रुको। ये देखो जहाँ से रोड की दिक्कत ज्यादा है ना, बीआरओ की टीम सारी वहां पे अवेलेबल होती है। ये देखो ये खड़े हैं सारे के सारे, आप आराम से निकल सकते हो, बस थोड़ा डिले करो प्रोग्राम को। अप्रैल में मत आओ यार, ले अप्रैल में आने वाले सब फंसे पड़े हैं, हम खुद फंसे हुए हैं। हमें घर जाना था, हम नहीं जा पा रहे यार, देख लो काम ऐसी तैसी करा रहे हैं। आज हमें ये सामने गुम्बो रंजन जी ही क्रॉस करवाएंगे, बस मन में बात आई बोल दी। देखते हैं अब हमें शिंकुला से जाने दिया जाता है या नहीं। गुम्बो रंजन ये रहे सामने, इन्हीं की महिमा अपरंपार है,
महादेव कर दो चमत्कार, कुंभ रंजन जी कर दो आप भी चमत्कार। यार चेक पोस्ट पे तो आ गए हैं हम, लग नहीं रहा छोड़ेंगे, रश है बहुत। ये बंदा भागा हुआ क्यों आ रहा है, छोड़ रहे हैं क्या, शायद छोड़ रहे हैं क्या, देखते हैं भाई छोड़ देंगे अगर, बस लॉटरी आज तो जिंदगी की कुछ पकड़ी हो। भाई सच बताऊं मैं आया हूं बड़ी मजबूरी में आया हूं, मेरे पीछे 9 गाड़ियां हैं, सब 5-5 दिन से परेशान है, मैं खुद 5 दिन से परेशान हूं। आगे आर्मी वालों की गाड़ियों को छोड़ दिया गया, ठीक है, एक सुबह टेम्पू छोड़ दिया गया, वो बंदे आराम से निकल गए, हम लोगों को सबको यहाँ रोक रखा था, तो अब हमने डिसाइड किया कि हम खुद जाके एक बार आके देख के आएंगे, अगर बंद हुआ हम वापस आ जाएंगे, कितनी बड़ी बात है, यही रिक्वेस्ट उनसे कर रहे थे, बट वो मान ही नहीं रहे थे। धूप चढ़ी हुई थी सारी, अब धूप भी खत्म होने वाली है, पूरे रिस्क में हमें डाल के उन अंकल जी ने छोड़ दिया है, बट अब जो भी होगा हम अब क्या करें, हम तैयार हैं भुगतने के लिए, हम कुछ कर ही नहीं सकते, 6-6 दिन से घरों से बाहर हैं यार, हमारी भी मजबूरियां हैं सबकी, अब बस कुछ नहीं कर सकते, अपने रिस्क भाया है जा रहे हैं, किसी का नाम नहीं है, पहुंच के देखते हैं क्या करेंगे। चलो लास्ट व्लॉग में तुम लोगों ने देखा था ना कि स्नो है नहीं, बट ये वाले व्लॉग में चेक करो फिर से स्नो हो गई है, यहाँ पर तो बहुत स्नो है यार इस टाइम, गुम्बो रंजन के दर्शन करो, इन्होंने हिम्मत दी है हमें निकलने की, अब हम निकल रहे हैं, बस देखते हैं क्या होने वाला है भाई। सो भाई गुम्बो रंजन में है इस टाइम हम, बहुत फन हो रहा है यार असली में, मतलब इस टाइम रोड ना एडवेंचरस बना हुआ है, आप जब आओगे तो ऐसा तो नहीं मिलेगा, आपको ये मिलेगा, ठीक है, और बहुत बढ़िया व्यू गुम्बो रंजन जी के मेरी हाइलक्स के साथ। दूसरी गाड़ी अपनी आ गई है, बाकी भी आ रही है, करते हैं जल्दी से। भाई ड्राइव देख रहे हो कैसे हो रही है मड में, ओवे यार क्या मड है, घूमी 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 गाड़ी घूमी, बहुत बहुत बढ़िया रोड बना हुआ है, और तुम्हारा भाई चला रहा है गाड़ी कैट करके। हाँ भाई किद्दां सारे कैट हो, कैम फिर देख रहे हो नजारे किवें होंदे आ, ऐदां होंदे आ ऐदां, ए इत्थे रख आ इत्थे रख, ए ए ए इत्थे रख, आ देखता ऐदां जांदी आ, शूकदी जांदी गड्डी, शूकदी हाईलक्स वाले दी, देख बर्फ शूकदी जांदी है, बाहर से कोई मेरी गाड़ी की वीडियो बनाए तो क्या ही मजा आएगा यार, सच में मेरी गाड़ी की बाहर से वीडियो ही नहीं बनाता यार, क्या करूं, सिंपति ले रहे हो, सिंपति कहां जाऊं। चलो अब गुम्बो रंजन जी देख लिए सबने, अब आगे श्रृंखला आवाज दिखाएंगे सबको, चलो हर हर महादेव, हर हर महादेव। श्रृंखला के इस तरफ का हाल देख लो, दरिया तो तुम सबने देखा होगा, बर्फ का दरिया नहीं कभी देखा होगा ऐसे, ये देख लो कितना समंदर बना हुआ है, बर्फीला समंदर, और यहाँ पे बीच में रोड, बर्फीला समंदर भाई लोग देखो। सो भाई हम यहाँ पे खड़े हैं, देखो आर्मी वाले भी खड़े हैं और हम भी यहाँ पे खड़े हैं श्रृंखला के दर्रे में, बहुत रिस्की हो गए हैं सीन, बर्फ हवा के साथ ही उड़ उड़ के आ रही है, बट एक बात बताऊं एडवाइजरी के बिना कभी मत आना यार, हम आ गए हैं ठीक है हम गलत हैं, एडवाइजरी के बिना आना ही नहीं चाहिए, इसीलिए हम भुगत रहे हैं, यहीं पे खड़े हुए हैं, ठीक है ऊपर से दिखाऊं आपको, ये देखो कितनी गाड़ियां हैं, ये तो आर्मी की गाड़ियां हैं, इसलिए हमें सपोर्ट है, आपको पता है आर्मी से ऊपर तो कुछ नहीं है, सो ये आर्मी की गाड़ियों की वजह से हमें सपोर्ट है इस टाइम। स्नो स्टॉर्म आ गया भाई, बहुत ज़्यादा स्नो स्टॉर्म आ गया, देखो और आगे देखो, स्नो स्टॉर्म ही स्नो स्टॉर्म है, पूरी स्नो नीचे आती जा रही है, पाइप चाहिए बस, पाइप मिल जाए तो काम हो जाएगा अपना। गए अच्छा अंकल पीछे गए, चलो चलो पाइप अरेंज करो भाई, पाइप को बंगा है भाई, पाइप चाहिए सिर्फ, आगे से मैं अपने साथ पेट्रोल भी रखूंगा, चाहे मेरी गाड़ी में डीजल डलता हो पर पेट्रोल बैकअप के लिए रखूंगा, क्यों सर सही कह रहा हूँ ना, मैंने बहुत चीज़ें नोट की हैं बैकअप पे रखने के लिए ना, जिससे कि किसी को हेल्प चाहिए हो तो कर सकें, मैंने टो स्ट्रैप भी रखे हुए हैं सर गाड़ी में इसीलिए। सो भाई पेट्रोल चाहिए थोड़ा सा, बिल्कुल मिल गया तो काम बन जाएगा, बाकी सारा काम तो हो चुका है, अब देखते हैं क्या स्टोरी है, सीन देख लो यहाँ पे, ये सीन है, वहाँ भी भाई लोग खड़े हैं, यहाँ सारे के सारे लोग खड़े हुए हैं और हम पेट्रोल अरेंज कर रहे हैं, भाई थोड़ा सा पेट्रोल की बूंद,
तुम्हारी जिंदगी बना सकती है, थोड़ा सा पेट्रोल तुम्हारा जिंदगी बना सकता है, है ना? अरे देखो स्नो स्नो मेरे मुंह पे आ रहा है, ये देखो पूरा स्नो मेरे मुंह पे, स्नो में भाई। KL नंबर की गाड़ी में पेट्रोल है और ये हमें दे रहे हैं पेट्रोल थोड़ा सा। भाई फाइनली ये भाई की थार से थोड़ा सा पेट्रोल ले रहे हैं इंजेक्शन के लिए, जिससे कि जेसी भी स्टार्ट हो जाए। अब देखते हैं फ्यूल पंप कहाँ पे है। भाई फ्यूल पंप तो मिल गया अपने को। ओ इग्निशन ऑन करो भाई, बंद करके ऑन करो भाई। आ रहा ऑन करो ना, बंद करके ऑन करो भाई। मिल गया भाई, मिल गया फाइनली। ओ यस यस यस, तेल मिल गया, पेट्रोल भाजी भाजी पेट्रोल मिल गया। चलो 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 भाई का टापा लगा दे यार, ये लगा दे। चलो चलो भाई पेट्रोल मिल गया। चलो चलो अब इसमें डालेंगे हम फ्यूल और फिर जाएंगे घरों को। सो भाई लोग फ्यूल आ गया, अब फ्यूल डाला जाएगा और इस छोटे को स्टार्ट किया जाएगा। भाई तुसी पंजाब तो कितों? अपना डिस्ट्रिक्ट है होशियारपुर। बेरे नंगल, थैंक यू। चलो जी चलो, अब होगा स्टार्ट। सर देखा आप पहले हमें साथ ले आते, कितनी हेल्प हो जाती। देखो सही बात है, सही कह रहे हो। पेट्रोल उड़ रहा है अंकल, बंद कर लो। सर ग्रीसी उड़ रहा है पेट्रोल। वाहेगुरु वाहेगुरु, भरो थोड़ा सा और। चिराग नीचे वाली कैंची में, हाँ सारी पीछे लो, ये तभी बैक होगा। भाई यहीं से चढ़ जाओ ना ऊपर, यहीं से चढ़ जा भैया, यहीं से आ रहे हो? अच्छा चलो भाई धक्का लगवाए, ठीक है। आ रहा हूँ मैं भी, आ रहा हूँ भाई। चलो बंदे तो बहुत वादू ने, आ जाओ यार धक्का लगाने के लिए, जाना है तो आ जाओ छेती, ड्राइवर नु छोड़ दो बस। रब भी जाने असि की करांगे अज, है ना भाजी? या लड़ांगे या मरांगे, दोनों चो इको गल होगी। चलो जी चलते हैं। हिलेगी हिलेगी, वन टू वन टू वन टू वन टू, जल्दी आओ भैया जल्दी आओ, जाना है ना हमें। चलो 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 चलो, गई 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 गई, चलो 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 चलो, मैं भी आता हूँ नीचे यार, मैं भी आता हूँ। चलो 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 चलो, ला चाबी दे यार, मैं टोचन करने जाता हूँ। चलो हटो एक बार, चलो ओ तेरी तेरे करके गिराऊं। टो करने वाले हैं? एक ताई च फस जूगा, दूजा मेनू देना पैना है। थोड़े को कोई रस्सा है? रस्सा सरिया सरिया मोड़ दांगे। चलो मैं लेके आया भाई, है भाई फाइनली हमारे भाई के हाइलक्स शंकुला पास में ना, खुशी देख रहे हो। शंकुला पास में बीआरओ की जेसीबी को रिकवर करेगी, ठीक है। जा रहा हूँ लेने, स्नो स्टॉर्म देख लो आगे कितना आया हुआ है। सो भाई ये गाड़ियाँ साइड में होंगी, फिर मैं अपनी गाड़ी को टोचन करूँगा, ऊपर लेके जा रहा हूँ, ठीक है। और हट जाना सर एक बार, क्या
भाई तुम्हारे भाई को ड्यूटी मिली है बीआरओ की टीम को आगे लेके जाने की। ये रही सारी टीम पीछे और ये रही जेसीबी जिसको हमने अभी रिकवर किया है और अब हम आगे चलेंगे। अब मेन उस पे जाएंगे। उधर से आओ, उधर से दो बंदे भाई। दो बंदे? हाँ। ये तो ये कह रहा था ये जाने को दो है। बैग उधर रख दो मेरा, ठीक है। हाँ जी सर, सायरन ऑन कर देंगे, ठीक है। डन 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 सर। एक और हाइलेक्स है, उसे और बता देना भाई। हाइलेक्स होगी पीछे, उसे बता दो और उसको आगे करवा दो भैया। वैसे एक हाइलेक्स रखता बीच में, एक पीछे रखता इनके। क्यों? हाँ, क्या जा उतर के जा। हाँ 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 भाई, नया लकुना हो गया है। अपनी गाड़ियां निकलने वाली थी बट फिर दोबारा से पंगा हो गया ये कि अब ये गाड़ियां फंसी होने की वजह से लेट हो गए, अब हम जा नहीं पा रहे, अब दिक्कत परेशानी होगी हमें। ये अंकल कह रहे हैं बम्पर गया, चलो देख के आता हूँ कहाँ गया बम्पर। हाँ जी, क्या निकल गया कुछ? क्या निकला? अच्छा, ये कोई दिक्कत नहीं है, इसकी कोई दिक्कत, इसको बाद में कर लेंगे। भाई इंस्टाग्राम से ना मेरी लाइफ बदल गई है, सच बता रहा हूँ। अभी मेरे को भैया मिले, ठीक है, वो भोपाल में थे उस टाइम। उन्होंने मेरे से पूछा था कि नितिश गोंबोरंजन का क्या सिचुएशन है, कैसे है, कैसे जाते हैं, कैसे आते हैं। तो इतनी सी कन्वर्सेशन थी और वो भैया यहाँ पे हेड हैं शिंकुला में, ठीक है, शिंकुला में हेड हैं वो भैया, ठीक है। तो अभी भैया के साथ हैं, देखते हैं क्या बनता है। यहाँ पे लोडर्स खड़े हैं सारे, ये शिंकुला पूरा दबा हुआ है इस टाइम पे। ट्राई करते हैं जल्दी से जल्दी निकल सकें गाड़ियाँ लेके। हमारी 9 गाड़ियाँ ये रही, ये आ रही हैं। ये देखो स्नो हो रही है, स्नो स्ट्रॉम आ रहा है और साथ में हमारी ये 9 गाड़ियाँ आ रही हैं, ठीक है। आर्मी की गाड़ी को कवर करते हुए मैं आया हूँ, फिर पीछे आर्मी की 2 गाड़ियों को कवर करते हुए ये अपनी हाइलक्स आ रही है, दिख रही होगी आपको चलती हुई। देखो भाई, तुम लोगों को लगता है ना कि रोका जा रहा है, नजायज रोका जा रहा है, पुलिस क्या कर रही है, आर्मी क्या कर रही है। ये देखो ये हो रहा है यहाँ पे, इतनी स्नो भाई किसी की भी जान ले सकती है, इसलिए माना करो एडवाइजरी को। एडवाइजरी के बिना ट्रैवल बिल्कुल मत करो, ठीक है। ये देखो कितना ज्यादा आया हुआ है लॉन्च यहाँ पे। देखो भाई यहाँ रोटी खा रहे हैं इस हालत में, हम लोगों के लिए सिर्फ। और सामने देखो एक बंदा काम कर रहा है कि वो फिर उतर के आएगा, फिर वो बंदा रोटी खाएगा, फिर दोबारा से दूसरा बंदा काम करेगा। भाई इतनी डेडिकेशन से काम होता है एडवाइजरी फॉलो करने के लिए। अगर एडवाइजरी फॉलो नहीं करोगे ना तो फंस जाओगे, तो ध्यान रखना एडवाइजरी फॉलो करना सबसे ज़रूरी और मैंडेटरी थिंग है। बहुत ज़्यादा तेज स्नो आ गई है और अभी रास्ता क्लियर कर रहे थे, क्लियर हो नहीं पा रहा। रास्ता क्लियर होने में लगेगा टाइम, भाई क्या ही होने वाला है आज अपने साथ। बट गाड़ी क्या लग रही है यार, हा 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 हा। ये रहा लोडर, ये रहा लोडर फाइनली। ये देखो इतनी तेज स्नो है और लोडर रास्ता क्लियर कर रहा है बट हो नहीं रहा इससे क्लियर सारा, ठीक है। यहीं तक पहुंच पाया ये बंदा, इसके आगे नहीं पहुंच पा रहा भाई। ये एडवेंचर लाइफ में नहीं भूलेगा, वहां से गया हूं बैक और वापस आया हूं। कैमरा वाले शॉट्स आपको देने पड़ेंगे मुझे, कैमरा वाले शॉट्स। अभी ना स्नो स्टॉर्म मेरे मुंह पे आ रहा है सीधा, ये देखो बिल्कुल मुंह पे स्नो स्टॉर्म आ रहा है यार। ये देखना कहां से आ रहा है, यहां से आ रहा है। ये देखो ये करो चेक, स्नो स्टॉर्म है, ये स्नो नहीं है। मौसम क्लियर हो गया सामने और होप सो हमें जाने दें यार। भाई ये सब ना पेज की वजह से हुआ है, बताओ आपको कि पेज से जो भैया हैं उन्होंने मुझसे सिर्फ कुछ क्वेरीज की थी, मैं सबको रिप्लाई कर रहा था इंस्टा पे, तो उनको भी किया मैंने। वो यहाँ पे हेड है, समझ रहे हो बात आप, वो यहाँ पे हेड हैं और अब उनकी वजह से हम निकलने की ट्राई में है। दैट टू हमने बीआरओ की टीम को भी हेल्प किया है और सच में बहुत अच्छा लग रहा है यार। कैमरा रिकॉर्डिंग्स दिखाऊंगा भाई आपको। तो भाई नया दिन नया व्लॉग और आज देखो हमारी गाड़ी कौन चला रहा है, आशु भैया। और पीछे देखो एक हमारे भाई बैठे हैं और ये भाई को हम ड्रॉप करने जा रहे हैं, इन्होंने मनाली तक जाना है। सो भाई आज देखते हैं पदुम अटैम्प्ट होता है, शिंकुला अटैम्प्ट होता है या नहीं होता। हो जाएगा वैसे, होप सो हो जाना चाहिए। कल भैया ने बहुत एडवेंचर कराया भाई हमें
आपने पिछले व्लॉग में देखा ही होगा और आने वाले टाइम में ना भैया के साथ ऐसे ही और एडवेंचर भी होंगे। क्यों भैया, ठीक है ना? बिल्कुल होंगे। और भैया हाइलक्स भी लेने वाले हैं कल भैया को हाइलक्स के लिए मैंने कन्विंस कर दिया है और अब भैया भी हाइलक्स मेंबर बन जाएंगे हमारे, फिर हमारे साथ ऑफ रोड पे भी चला जाएंगे। बस सिर्फ 6 घंटे इन्फ्लुएंस करा, ज्यादा नहीं। ये देखो सामने भाई, ये है मुझे सबसे बढ़िया पुल लगता है जब से मैं इस रोड पे आया हूँ ना, तब से आज तक मुझे। हाँ, फिर नहीं ब्रिज। सो भाई शिंकुला टॉप ट्राई कर रहे हैं, चढ़ चुके हैं हम। और जय बाबा शिंकुला जी, आप जब भी कभी आओ ना ये नारा लगा दिया करो, जयकारा लगा दिया करो, सेफ रहोगे भाई। बाबा के आगे मस्तक टेकना, बाबा के आगे मस्तक टेकना बहुत जरूरी है यहाँ पे, तभी बाबा जाने देंगे, नहीं तो बस जैसे हम कल फंसे थे वैसे फंसे रहते हैं। हम आज तो सुबह से ही जयकारे लगाते जा रहे हैं। जय हो शिंकुला बाबा जी, बस आज तो पहुँचा ही दो हमें। ऑफ रोड चल रहे है भाई, अभी प्रॉपर हाइलक्स की सही लेवल पे टेस्टिंग हो रही है और भैया कर रहे हैं टेस्टिंग यहाँ पे। कभी स्लश आता है, कभी कुछ आता है। 4x2 गाड़ियाँ यार वैसे तो मैं तो रिकमेंड नहीं करता इस रोड पे, बट फिर भी अगर आना है ना यार आप लोगों को, तो हाई ग्राउंड क्लियरेंस की गाड़ी एटलीस्ट होनी चाहिए, बड़े सीसी की, जिससे कि आपको चढ़ने उतरने में दिक्कत ना आए। और दूसरा, अपनी गाड़ी में ना यार एक स्लीपिंग बैग जरूर रखा करो, और कुछ और एसेंशियल्स हैं मैं उसकी ना लिस्ट डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो लिस्ट जरूर फॉलो करना जब भी यहाँ पे आते हो। जो जो हमने कमियाँ यहाँ पे देखी, किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ सकती है, किसी को और को भी हम हेल्प कर सकें, वो चीज़ें भी हम रख सकते हैं। अगर आपकी गाड़ी बड़ी है तो रख लेना यार, थोड़ा दिल बड़ा रखोगे तो भाई आपकी भी भगवान हेल्प करेगा, जैसे हमारी हेल्प हो रही है। देखो ये हमारे गॉड गिफ्ट हैं जो आशु भैया हमें मिले हैं, और ये सिर्फ आप सब लोगों को हेल्प करने की वजह से है। तो इसी तरह से चलता रहे सब कुछ, हर और महादेव। अब शिंकुला टॉप पे दर्शन कराएंगे आपको कैसा दिखता है। उधर भी है सर, वो भी जाएगा तो जल्दी क्लियर हो जाएगा रास्ता। अभी उसको मतलब स्टार्टिंग का प्रॉब्लम है ना, सब पिकअप को उसको सही हो गया तो इसको सही करने के ऊपर। ठीक है, सो भाई हम अब चढ़ाई चढ़ रहे हैं शिंकुला टॉप की। ये देखो स्नो ही हो गया है, रोड पूरा स्नो ही स्नो है, स्नो ही स्नो है भाई, फुल स्नो है यार। आर्मी वाली स्कॉर्पियोज फंसी हुई हैं फिर से, इनको रिकवर करना है। तो चलो आज फिर रिकवरी शुरू करते हैं और नया दिन नई शुरुआत, आज तो हर हाल में फतेह करना है मामला। आज नहीं फतेह हुआ तो कब फतेह करेंगे। कल तो फिर बहुत भयंकर स्नो है सर, कल तो बहुत तेज स्नो पड़ने वाली है। आज ही है बस हमारे पास, आज हो गया तो हो गया, कल नहीं हो पाएगा। ये रही भाई पिछले व्लॉग में जो स्कॉर्पियो आपने देखी थी, ये सारी वही स्कॉर्पियो है, ये देखिए सारी वही है भाई। कल यहाँ से ना हम गए थे जब, तो यहाँ पे ये पत्थर दिख रहा था पूरा, और ये पत्थर पूरा ढका हुआ है, पूरा पत्थर ढका हुआ है, पूरी स्नो बीच में आई बढ़िया। भैया बहुत एडवेंचरस है रोड आगे, फुल एडवेंचर चल रहा है आगे। ये गाड़ियाँ सब आज निकलेंगी भैया, अगर आज निकल गए तो निकल गए, नहीं तो कल बहुत भयंकर स्नो है, कल तो बहुत ज़्यादा स्नो पड़ेगी। सो भाई लोग, तुम्हारे भाई की गाड़ी आगे जा रही है अभी, ठीक है, सबको रिकवर करती हुई शिंकुला से आज क्रॉस करेंगे। स्नो दोबारा स्टार्ट हो गई है, और आज ना क्रॉस कर पाए तो अगले 2 दिन और जाएंगे। आज डेट है 19 अप्रैल, ठीक है। ये व्लॉग्स सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए हैं कि आ जाओ तो कैसे ट्रीट करना है, कैसे आना जाना है, क्या रोड कंडीशंस हैं। चेकलिस्ट मैं पक्का इसमें सारी बना के डालूंगा। ये स्कॉर्पियो आ गई है आर्मी वाली, ठीक है, तो ये नीचे जाएगी, इसके बाद मैं ऊपर जाऊंगा, फिर सबको लीड करूंगा। ऐसे होता है स्नो क्लियरेंस, और तुम लोगों को मजाक लगता है माइनस के टेम्परेचर में। स्कॉर्पियो नहीं चढ़ पा रही यार, इसको टो करना पड़ेगा। चलो टो करते हैं। सो भाई लग गई के नहीं लगी? चलो जी टोचन फिट हो गया है। नहीं नहीं तो अपने से बना, तू सीधे उससे बनाइयो। चले सर करें फतेह। चलो ठीक है जी। भाई लड़का टाइम पूछ रहा है, बताओ यार 1 बज गए, क्या बताएं अब टाइम इसको। टाइम खराब चल रहा है ना? ना बहुत अच्छा है भाई, खराब नहीं बोलते, बहुत अच्छा है, टाइम कभी खराब नहीं हो सकता यार। क्यों अंकित? अमन मैं बात ही नहीं करता, मैं नहीं बनाता वीडियो, अच्छा हो गया भाई ये बहुत फन हो रहा है यार आज आर्मी के साथ जो हम एंजॉय कर रहे हैं। कल रात का ट्रीटमेंट बहुत अच्छा था यार, बहुत बढ़िया ट्रीटमेंट था कल रात वाला, उस पे हम व्लॉग नहीं बना सकते थे, वो ट्रीटमेंट व्लॉग डालने वाला था नहीं,
मतलब भैया कल रात वाला ट्रीटमेंट एक नंबर था, वो प्राइवेट ही रहेगा, उसको उसको कभी पब्लिक नहीं करना हमने, वो ऐसा ही रहना चाहिए प्राइवेट। सो भाई एक और नई न्यूज आ गई, यहाँ से हम क्रॉस करने वाले हैं और भैया ने बताया कि दर्चा में पत्थर आ गए हैं अब। भैया ये गुड न्यूज माने क्या माने इसको, कि उतर भी रहे हैं और फंस भी रहे हैं। नहीं शिंकल बाबा जाने नहीं देना चाहते हैं आप लोगों को। हाँ ये भी बात है, हम बाबा के पास 8 जून को आएंगे कॉन्वॉय लेके, सबको कहेंगे मत्था टेको यहाँ पे, फिर आगे जाना है। अभी भाई चलो यहाँ से तो निकले एक बार, नीचे जाके देखते हैं, साथ में पीछे भी आर्मी वाली गाड़ियां हैं तो हमें सपोर्ट तो रहेगा ही। सो भाई मेन एरिया में पहुंच गए हैं, हमारे कैप्टन साहब ये रहे, इनकी मेहरबानी से ही निकल रहे हैं और हम अकेले नहीं निकल रहे, कोई प्रिविलेज नहीं मिल रहा, ठीक है, सारे सिविलियंस को निकाल रहे हैं सर, ये मत सोचना कि सिर्फ हम यहाँ से जा रहे हैं, ठीक है, आर्मी नहीं ये सब करती भाई, सबको बराबर निकालेगी निकालेगी, तो ऐसे नहीं। अब ये साइड लगवा दिया, साइड लगवा दी, मेरे पीछे गाड़ियाँ हैं ये सारी जाएंगी, फिर बाकी सिविलियंस की गाड़ी नीचे से आ रही है, फिर वो जाएंगे सारे। टहरा जब भी नहीं आ रहा भाई, जितने मर्जी बड़े टायर हो, स्नो कहती है भाई मेरे से ऊपर कुछ नहीं है, जो हम है सो हम है, बाकी पानी कम, बाकी पानी कम है, वो देखो ओए होए नियर मिस है, बिल्कुल बिल्कुल नियर है, वो देख ये बजा 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 दैड़ भाई, वो बच गया बजा दैड़ बजा टायर बच, कुछ ना कुछ चला ही हुआ है भाई, अभी ये क्रेन को पीछे करना पड़ेगा तभी कुछ होगा, क्रेन को बैक लेना पड़ेगा तभी होगा। चलो चलो मौसम फिर से बहुत अंधाधुंध खराब हो गया है और मौसम के खराब होने का खतरा बढ़ता जा रहा है, ये देखो। हाँ जी हाँ जी, चलो 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 जी। हाँ जी हाँ जी, एक मिनट बस ये सीधी हो जाए फिर जाता हूँ। टायर क्यों डेटा कर रहे हैं मुझे ये नहीं समझ आ रहा, बस ये जो टायर है ना ये सीधा होना जरूरी है, आगे वाला वो बर्फ में ही तो धंसा हुआ है टायर, उन्हें लग रहा है इधर है? हाँ हाँ जाएगी नहीं गाड़ी इधर जो मर्जी हो। तो बताया होगा विकास ने अब कि टायर सीधा करो, वो देखो एक मिनट में गया देखा, अब कहीं नहीं रुकेगा ये, अगर ये चलते रहे सीधे टायर से कोई दिक्कत नहीं आ रही है, ब्रेक डेटा कर दिया, ब्रेक ट्रैक नहीं मार रहा है। हाँ वो देखो जा रहा है गया गया गया। भाई भैया की जीपीएस वाली घड़ी देख लो, 16,266 ऑल्टीट्यूड पे हैं हम इस टाइम और यहाँ पे इतनी मेहनत चल रही है, ये देख रहे हो आप अभी यहाँ पे ये खड़ा ही है कब से, बिल्कुल विक्ट्री का साइन बना के खड़ा है, उल्टी विक्ट्री का, बट हम जीत जाएंगे आज। पहुंच गए भाई, एक लास्ट कैंची रह गई, लास्ट कैंची के बाद किला फतेह है शिंकुला का इस साइड का, फिर उसके बाद हम जाएंगे दूसरी साइड और दूसरा किला फतेह करना है भाई लोग, उसमें लैंडस्लाइड हो रखा है थोड़ा सा, हमें लगता है खुद ही पत्थर हटाने पड़ेंगे वो थोड़े थोड़े, बट आज तो जिद है, आज घर जाना ही जाना है, शिंकुला भगवान जी एक बार यहाँ से उतार दें हमें, हैं सर शिंकुला भगवान हमें उतार दें यहाँ से नीचे को, फिर हम चले जाएंगे, क्यों थोड़ा थोड़ा ऑफ रोड करके ट्रैक बना लेंगे, है ना भैया, अपना ट्रैक बना देंगे पत्थरों का। यार कितना अच्छा लग रहा है ना ये जेसीबी पे अपनी, है ना, ओ सॉरी अपनी गाड़ी पे, ये कितना अच्छा लग रहा है ना, ऐसा लग रहा है अपनी गाड़ी को सपोर्ट कर रहा है, उससे पहले है भी हम ना खड़े हुए इस टाइम बात हुआ है, बट ये ना बार बार थोड़ा बंद हो रहा है ये, इसकी वजह से थोड़ा डिले हो रहा है और ऊपर से ना यार स्नोबोर्ड भी स्टार्ट हो रही है, जल्दी काम करना पड़ेगा, अभी देखना ये कैसे घूमेगा अपनी गाड़ी के ऊपर ऊपर से। भाई कहाँ से बर्फ खोद रहा है वो देखो, जगह बना रहा है पूरी, उठा के मारता है इतनी बर्फ एक ही बार में, ये देखो भाई स्नो आ गई है बहुत तेज, बर्फबारी हो रही है और हम कोशिश कर रहे हैं यहाँ से निकलने की, अभी देखने जा रहे हैं कि अपनी गाड़ी जाएगी या नहीं जाएगी, चलो ट्राई करते हैं देखते हैं कहाँ तक जाएगी। भाई बहुत दिन तक स्नो हुई है यार, फंस गए यार, हाँ यहाँ तो आ जाएगी गाड़ी यार, ये चढ़ जाएगी इस पे, तो ये ज़्यादा नहीं है चढ़ जाएगी,
चढ़ जाएगी यहाँ तो। जावेद भाई आज घर पहुँचवा दो। पहुँचवा देंगे, टेंशन मत लो। पक्का चलो भाई, क्लियर हो रहा था सब कुछ, फिर दोबारा स्नो आ गई और ऐसे रगड़े खा रहे हैं हम। देखो भैया ये भी साफ करा दो, है ना। चलो साइड में हो जाता हूँ मैं यहाँ से। भाई देख रहे हो स्नो, देख रहे हो गाड़ी पे कितनी है, इस तरह से स्नो आ रही है। ये देखो ये भी बेचारे कह रहे हैं सारे क्या ही हो रहा है यार, ये तो हमसे भी पुराने हैं, 5-6 दिन हो गए सबको यहाँ खड़े हुए, ठीक है। और ये ऊपर स्नो देखो कितनी है, ये देखो, ठीक है भाई। क्या करें क्या ना करें, ये कैसी मुश्किल आ गई यार। ओ भैन चो, गिर जाऊँगा मैं तो स्नो में, ऊपर चला जाता हूँ। चलो ये लोडर है यहाँ पे, इससे साइड होना पड़ेगा मुझे। चलो जी ये लोडर जा रहा है अब ऊपर, बेचारा लोडर भी क्या करे, आए जाए कहाँ जाए, क्या क्या करे। गया चढ़ रहा है, इसे नीचे उतरता हूँ मैं यहाँ से। देखो बर्फ में भाई कपड़े वपड़े सब भीगे मेरे। ये चढ़ रहा है ऊपर यहाँ से। हो सर फिर मौसम खराब, कह रहे हैं थोड़ा सा फिर बंद हो गया, ये हो जाएगा कह रहे हैं, हो जाएगा कर रहे हैं, ऊपर ज़्यादा है, मेहनत तो सब कर ही रहे हैं, क्या करें। चलो बैठते हैं गाड़ी में, स्नो में क्यों भीगना। आप तीनों चले जाओ, तीनों चलो, आप तीनों बोलते हैं, आप सरकार को पैदा बोल सकते हैं। चलो बोलो, आप बोलो, मैं बोल रहा हूँ, मैंने बोला है, मैंने बोल दिया, अभी खड़ा करेगा वो, मना करेगा तो उसको बोलना तू इधर आ। निकल गया, आधा खींच का आधा रास्ता खुल गया बस। नंबर है क्या ओवर? नो नो वाला नहीं है सर। ओके ठीक है। सो भाई फाइनल कट रह गया शिंकुला का, देखते हैं अब क्या होने वाला है हमारे साथ। वो आगे एक डोजर है, वो थोड़ा सा वीक हो गया था, अब ये जा रही है पोकलेन, पोकलेन बोलते हैं ना इसको, ये जा रही है। वाह क्या लग रही है जाती हुई स्नो के बीच में, वाह मजा आ रहा है इसको देख के, सुंदर आती सुंदर। हेलो ठीक है साहब, ठीक है जेसीबी फटाफट नीचे करवा दो, ब्लेड हल्की हल्की से ब्लेड लगवा दो, एक आध फिट बर्फ से, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, सारी गाड़ी 4x4 है ओवर। ये भाई यहाँ तक पहुँच गए हैं और हम इनके पीछे पीछे जाएंगे आज तो। शिंकुला महादेव बस कर दो, जय हो आपकी, कर दो बस बेड़ा पार। ऐसे होती है बर्फ साफ पहाड़ों में, क्या गाइडलाइंस होती हैं? सीट बेल्ट नहीं लगाना है। हाँ गाइडलाइन पहाड़ों की तो है, सीट बेल्ट ना लगाने की, सही बात है। यस 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 चक दे शेरा फटे, नोच मत यार ऊपर से बर्फ हटा दे बस। चलो चलो नोचने भी दो अब, चाहे बंद हो गया। अरे यार चलो जी फिर स्टार्ट हो गई है, ये 15 मिनट की गेम रह गई बस, अगर ये कर देंगे तो भाई हम घर पहुंच जाएंगे और भैया थोड़े से बोर होंगे, याद करेंगे हमें, बहुत याद आएंगे। जल्दी मिलेंगे भैया, चंडीगढ़ आ रहे हो आप? बस 5 दिन बाद मुझे भी आना है। तू कमीने, हम तो गुड़गांव में आ रहे हैं। अब चंडीगढ़ शहर तो नहीं, कितना 2 घंटा चलो जी फन तो बहुत हो गया आज, बस एक बार नीचे उतर जाएं फिर इसको फन कहेंगे हम, अभी तो सजा ही है यार। ये फाइनल स्ट्रेच है अपना, इसके बाद कोई नया चैलेंज होगा या नहीं होगा अब भगवान ही जाने, ये तो इन्होंने कर दिया कवर, बस ये लास्ट है, इसके बाद हम गाड़ी खींच देंगे यहाँ से। हाँ एक और लगेगा शायद, पानी तो मिलेगा नहीं सर, चलेगा लेकिन वो भी चलेगा सर, पानी जब मिले जब डाल देना उसमें। ठीक है चलो चलो जी, ग्रीन सिग्नल आ गया, फटाफट निकलते हैं भैया। ओके ओके बाय ब्रो, मिलते हैं जल्दी, वेरी वेरी सून, जल्दी जल्दी मिलेंगे। चल रहे हैं ये तो अमन, आ जा भाई फिर भाई, बस फिंगर्स क्रॉस, जय हिंद, नेटवर्क का ही नहीं रहे, या तो जय हिंद बाजी कर लिया होगा, मिलते हैं चलो। ओके चलो भाई आगे स्टार्ट करता हूँ जर्नी, नया चैलेंज भाई, एक और चैलेंज अगले एज पे, एक और चैलेंज। हर हर महादेव, हर हर महादेव, लेट्स डू इट। चल भाई चल भाई चल भाई चल, रुकन का कोई काम नहीं, ऊपर को ऊपर, चलो 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 भाई साहब, इतना एडवेंचर भाई मैंने नहीं लाइफ में कभी किया, इतनी स्नो नहीं कभी देखी, और ये भी सिर्फ आर्मी की वजह से हमने स्नो देख ली, नहीं तो हमसे कहाँ स्नो देखी जानी थी, बिल्कुल भी ना देख पाते हम स्नो तो।
आज आर्मी की वजह से हमने आशुतोष भैया की वजह से ये स्नो से निकल रहे हैं भैया, ये जरूर बनती होनी चाहिए ठीक है। आशुतोष भैया की वजह से स्नो से निकल रहा हूँ यार, ऊपर ऊपर ओए होए 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 यार मजा ही आ गया भाई साहब। ओहो यहाँ पे रुकना पड़ेगा अभी थोड़ा सा अपने को, देखते हैं क्या होगा। ये मैं पहुंच गया, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। शिंकुला टॉप पे पहुंच गया भाई मैं, ये देखो टॉप पे स्नो कटर देखो क्या लाजवाब लग रहा है भाई। हर हर महादेव, हर हर महादेव, चलो चलो बैठो, हर हर महादेव, मजा आ गया भाई, थैंक यू। यस यस यस, चलो शिंकुला पास तो देखें, शिंकुला पास टॉप, शिंकुला पास टॉप पे मैं हूँ। यस ये देखो भाई, ये वाले मजे कहाँ आएंगे, कहीं नहीं आएंगे। हर हर महादेव, हर हर महादेव। अभी आ जाए स्कॉर्पियो, फिर जाएंगे, स्कॉर्पियो आने वाली है ना, स्कॉर्पियो के साथ जाएंगे। अच्छा सर, आप वहाँ बोले थे ना आपको, हाँ जी, बिल्कुल सर, बहुत ज्यादा स्लाइड था यार। थैंक यू यार भाई, आप सबकी वजह से ये पॉसिबल होता है, आप खड़े होते हो ना तभी ये होता है। हाँ जी हाँ जी, आ रहे हैं, स्कॉर्पियो आ रही है, आगे आगे अब चले या रुके, अभी नहीं हम जाए अभी नहीं, फिर स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो आ गई ना, उसके साथ जाता हूँ यार, साथ ही थे ना वो, साथ ही चलते हैं। सो भाई स्कॉर्पियो आ जाए, फिर स्कॉर्पियो के साथ निकलेंगे। आ गई स्कॉर्पियो, ये रही, ये देखो किस तरह से गाड़ियां निकल रही हैं यहाँ से, स्कॉर्पियो पहुंच गई है भाई। ये टॉप है ना, हर हर महादेव, शिंकुला टॉप जिंदाबाद, पहुंच गए सर। शिंकुला महाराज की जय, शिंकुला महाराज की जय, शिंकुला टॉप फतेह हो गया। सारे पास आओ सर, एक बार जयकारा लगाएंगे, सारे पास आ जाओ सर। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल सर, सारे जयकारा लगाएंगे, एक बार सब आ जाओ सर प्लीज, एक बार आ जाओ, 1 2 3 शिंकुला बाबा की जय, हर हर महादेव, हर हर महादेव। भाई इन सब की वजह से आज हम शिंकुला टॉप पे आ पाते हैं, ये लोग दिन रात जागते हैं ना तो हम लोग यहाँ से घूम पाते हैं। इन लोगों को थैंक यू करके जाया करो, जय हिंद का सल्यूट तो कर सकते हो। जय हिंद, जय हिंद, मजा आ गया सर, जय हो भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय शिंकुला बाबा की जय। सो देखो भाई शिंकुला पास आप देख रहे हो, सारे पहले चढ़ता हुआ देख रहे थे, अब आप शिंकुला पास उतरता हुआ देख रहे हो, ठीक है। व्लॉग अलग अलग इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि यार चढ़ता अलग उतरता अलग दिखना भी चाहिए ना, कि कहाँ क्या है, एक ही व्लॉग में सब आ गया तो बोर नहीं हो जाओगे आप। कितनी वाइट है देखो, सारी स्नो वाइट हुई पड़ी है, और ये ना डोजर क्लियर करके गया, उसके बाद फिर दोबारा से स्नो आ गई है हवा के साथ उड़ के, यहाँ पे ऐसे आती नहीं है, नहीं तो ये हवा के साथ उड़ के आई है स्नो। अब देखते हैं आगे क्या होता है, क्या चलेगा, थोड़ा सा बीच में ब्लैक रोड आ रहा है, फिर दोबारा से फिर स्नो आ जाएगी, अभी देखना इस मोड़ पे। ओ तेरी, ये देखो कितना स्नो आ गया इस मोड़ पे ही। ये चैलेंज है इस रोड के भाई, इसीलिए आप लोगों को मना करते हैं कि मत आओ, अभी एडवाइजरी है। फिर हम सब लोग ना फोन कराने लग जाते हैं, इससे फोन करा, उससे फोन करा, इधर से फोन करा, उधर से फोन करा, देखा गाड़ी कहाँ बजी जाके, गाड़ी कंट्रोल नहीं आती, और यहाँ पे मोमेंटम छोड़ नहीं सकते, मोमेंटम के साथ गाड़ी चढ़ानी होती है, तो बर्फ है सामने इसलिए कोई टेंशन नहीं होती, इसलिए लगा देते हैं जोर उधर को थोड़ा सा। अब अच्छा लग रहा है पास क्रॉस करते करते, मज़ा ही आ रहा है एक तरह से तो, बहुत बढ़िया वाइट है बिल्कुल यार, सारी तरफ ना प्योर वाइट है, और ये ना आशु भैया की वजह से मैं देख पा रहा हूँ, नहीं तो भाई अपनी नहीं है किसी से कोई जान पहचान, ये तो भगवान की जान पहचान थी, भगवान की जान पहचान से हमने ये सब देख लिया,
मेरी गाड़ी की तो कोई वीडियो बनाने वाला भी नहीं है इतनी सुंदर जगह की। मेरे पीछे गाड़ी आ रही हो, कम से कम वो वीडियो ही बना दे, मज़ा ही आ जाए। अब वो भैया आ नहीं रहे, उनके बिना मैं जाऊँगा नहीं, ये चक्कर पड़ रहा है देखो यहाँ पे। अब वो आए नहीं है, फिर वेट करता हूँ उनका, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं भैया, है ना। ऐसे जाने का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि साथ आने का फ़ायदा है। मैं उन्हें बोलता हूँ कि भैया थोड़ा साथ रखो, यहाँ कोई लैंडस्लाइड का पॉइंट भी नहीं है, इसलिए यहाँ रोक लेता हूँ, सेफ जगह है ये, है ना। देना भैया एक मिनट ऐसे ही, चलो एक बार देख रोकते हैं। यार बाहर से तुम्हें शिंकुला तो दिखा दूं और अपनी गाड़ियां तो दिखा दूं, अपनी गाड़ी मतलब गाड़ियां क्या, ये देखो बर्फ के बीचों बीच सिर्फ अपनी गाड़ी है, अपने ही पैरों के निशान है, और कोई निशान भी है नहीं। पीछे से गाड़ियां नहीं आई, उनका वेट कर रहा हूं यार, उनके बिना नहीं जा सकता, वेट करना ही पड़ेगा। ये देखो भाई बर्फ तो देखो, क्या बर्फ है, ये देखो कैमरा घुमाऊं इस पे से, ये देखो क्या सही लग रही है भाई। क्या करोगे, कहाँ जाओगे, शिंकुला एक बार खुल गया ना अच्छी तरह से सब भूल जाओगे, शिंकुला ही शिंकुला होगे। देखो तो सही कितनी स्नो है, स्नो में ही मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ यार, स्नो में ही गाड़ी ड्राइव हो रही है, मतलब कहीं और तो चल ही नहीं पा रहा, जाऊँगा कहाँ, आसपास मेरे रोड थोड़ा है, बोलने में समझ नहीं आ रहा ना, एक्साइटमेंट ओवरलोडेड है मेरी। पर यार क्या नज़ारा आ रहा है, ये वाला नज़ारा देखो आप, इतनी स्नो किसने देखी होगी, इतनी स्नो कोई नहीं है भाई, आसपास ही नहीं है कोई, अपने आसपास ही नहीं है कोई। पीछे भैया को बोला तो था मेरी वीडियो बना दो, भगवान जाने सही से बनाई वीडियो नहीं बनाई उन्होंने, बट चलो आप लोग तो देखो नज़ारे शिंकुला के, इस तरह के नज़ारे हैं शिंकुला में, प्रॉपर टॉप लेवल के। थोड़ा नीचे जब आ जाते हैं तो बर्फ़ रोड पे तो ख़त्म हो जाती है, बट साइड्स में बर्फ़ बहुत है, इतनी ज़्यादा बर्फ़ में ट्रैवल करना अभी सही नहीं होगा। मतलब अभी मैं 19 अप्रैल को ये व्लॉग बना रहा हूँ, ठीक है, 29th अप्रैल तक तो मुझे लगता है ये काफ़ी कम भी हो जाएगा, क्योंकि धूप लगेगी तो फिर थोड़ा डाउन आ जाता है। तो आप जब आओगे तो आपको ना आसपास में बर्फ़ ज़रूर मिलेगी, जैसे यहाँ पे देखो इतनी बर्फ़ है, इधर देखो इतनी बर्फ़ है, इधर बर्फ़ है, स्लाइड्स आते हैं उस टाइम पे, आपको उस चीज़ का ध्यान रखना है। एडवाइजरी बस आपको रोड खुला तभी मिलेगा जब BRO को लगेगा कि सेफ़ है, जब BRO को लगेगा कि रोड सेफ नहीं है तो आपको जाने ही नहीं देंगे, सो टेंशन कोई है नहीं, एडवाइजरी आपको मिल जाएगी, बस आपको फॉलो करना है एडवाइजरी को। हाँ भाई नीचे तो उतर गए हैं शिंकुला से, और थोड़ा सा क्या है कि अब स्लाइडिंग जोन है ये, इसको ना जल्दी क्लियर करना बड़ा ज़रूरी है। देखो कितना भैया ये एवलॉन्च था, है ना, ये एवलॉन्च कितना आया हुआ देखो, ओ यार ये पूरा जोन बड़ा रिस्की है, चढ़ते हुए भी उतरते हुए भी शिंकुला ना मतलब टफ है और रिस्क भी है बहुत इसमें। यहाँ पे भी अब लॉन्च था, ये क्लियर हुआ है नंबर दो, ठीक है। अभी आगे जितना चलते जा रहे हैं सारा स्लाइड जोन है, तो स्लाइड जोन में बस थोड़ा सा निकल जाएं, डेट तक पहुँच जाएं। वैसे तो पहाड़ों में कहीं भी कुछ भी हो जाता है, कोई पता नहीं होता, ज़रूरी नहीं सिर्फ इतने से एरिए में दिक्कत है आगे ना हो, तो दिक्कत परेशानी तो भाई भाग्य की बात है, जिसके साथ होनी है उसके साथ हो ही जानी है, चाहे वो बंदा घर में भी बैठा हो ना तो उसके ऊपर पंखा भी गिर जाएगा टूट के। और अभी हम तो हैं पहाड़ों में, व्यूज़ देखो, व्यूज़ नहीं चेंज होते, व्यूज़ उसी तरह के रहते हैं। देखो अभी मोड़ मुड़ोगे ना ऐसा लगेगा यार ये नया ही व्यू है भाई। बहुत मेहनत है यार यहाँ रास्ते खोलने की, अब तो चलो डबल सा हो गया, ऊपर तो सिंगल भी रोड नहीं था, बिल्कुल छोटू सा था। हम अब उतर के आ गए हैं भाई नीचे, जहाँ BRO का डेट बना हुआ है। बेसिकली डेट होता है कैंप जहाँ पे BRO की टीम होती है, ठीक है। अगर आपको लगे कहीं आप रास्ते में फंस गए हो या कुछ भी है, बस नियर बाय इनके डेट्स को ध्यान रखा करो, अगर आपको हेल्प आएगी तो यहीं से आएगी पहाड़ों में, और कहीं से कोई हेल्प नहीं आएगी, ठीक है। तो जैसे ये डेट बना हुआ है, इस तरह के डेट हर जगह पे बने होते हैं, अगर आप मान लो लैंडस्लाइड हो गया, कुछ हो गया, कोई पैदल आके यहाँ तक पहुँच जाए, क्योंकि इनको इन्फॉर्मेशन आप दोगे ना तभी आप आगे जा पाओगे, और या फिर तभी ये सब कुछ सही कर पाएंगे, ये पॉइंट है मेन। सो भाई ये रहा दरचा पुल जिससे तुम ले जाया करोगे और यहाँ लाइनों में लगा करोगे, फाइनली हम दरचा पहुँच गए आज। ये देखो भाई दरचा पुल का व्यू देखो क्या सही लग रहा है यार, आ गए भाई दरचा, थोड़ी सी तो खुशी मिली, अब बस घर पहुँचना है थोड़ी देर में। लो भाई वेलकम हो गया अपना पदुम से दरचा की तरफ, ठीक है। पूरा निम्मू पदुम दरचा वाला रोड देख आए हैं, व्लॉग आप देख ही रहे हो सारे के सारे। ये छोटा सा कैफ़े भी है यहाँ पे भाई, और इस पे पार्किंग अलाउड नहीं है दरचा के पुल पे, ये याद रखना। और दरचा के पुल से ही एंट्री मिलती है ले जाने के लिए, चाहे बारालाचा से जाओ चाहे आप जाओ शिंकुला से। सो अब इसके बाद आएगा जिस्पा, जिस्पा के बाद सिस्सू, सिस्सू से मनाली, मनाली से फिर चंडीगढ़।
आपको मैं सिसु तक की सारी अपडेट दूंगा, उसके बाद का आपको सब पता ही है, फिर अगले ब्लॉग में कोई और बात करेंगे। भाई ये लैंडस्लाइड कब हमारा पीछा छोड़ेगी, अभी भी यहाँ पे स्लाइड हुआ है लेटेस्ट, ये क्लियर कर रहे हैं, निकाल दिया भाई, कह रहे हैं निकल जाओ निकल जाओ निकल जाओ निकल जाओ, लैंडस्लाइड से गाड़ी खींच के निकाला करो इधर उधर देखते हुए, ठीक है। और अब भाई सिसु पहुंचने वाले हैं सीधा, सिसु पहुंच के थोड़ी देर रेस्ट करूंगा, यार स्नो ही नहीं पीछा छोड़ रही, इतनी स्नो हो गई है ना लाइफ में कि अब थोड़े दिन स्नो ना देखूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब ये थोड़ी देर में बारिश स्नो में कन्वर्ट होने वाली है, सिसु में जाके आपको एक सरप्राइज भी देता हूँ आज मैं। ये देख लो भाई स्नो पड़ रही है सिसु में भी, ठीक है। आज 19 अप्रैल है और कल 20 अप्रैल का भी बहुत हैवी स्नोफॉल का अलर्ट है भाई। ये देख लो हमारा तो वेलकम स्नो में ही हुआ है, गए हुए भी स्नो में भी, आए हुए भी स्नो में, सब टाइम स्नो में ही रहे हैं हम, अभी बस सिसु आने वाला है थोड़ी देर में। ये देख लो कितनी तेज स्नोफॉल हो गया है, और भाई अप्रैल 19 को इतना स्नोफॉल पड़ रहा है, सोचो महीने कितने खिसक चुके हैं आगे, ग्लोबल वार्मिंग मान लो कुछ भी मान लो, नहीं तो यार कहाँ इतनी स्नो होती थी अप्रैल मई में पहले टाइम्स में, अब तो अप्रैल छोड़ो अब मई में भी कहते स्नोफॉल होगा। ये देख लो किस तरह से स्नोफॉल चल रहा है आपके सामने, बहुत हैवी है ये, और अभी सिसु मेरा 9-10 किलोमीटर पड़ा है।